नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। विश्व बाजार में गेहूं की बढ़ती मांग के कारण अप्रैल जुलाई के दौरान व्यापारियों ने 30 से 35 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने ये जानकारी दी है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का गेहूं निर्यात कारोबारी साल 2021-22 में 70 लाख टन को पार कर गया है, जबकि कारोबारी साल 2020-21 में ये निर्यात 21.5 लाख टन था। वहीं सुधांशु पांडे ने कहा कि व्यापार जगत का अनुमान है कि इस साल अप्रैल जुलाई की अवधि के दौरान लगभग 30 से 35 लाख टन गेहूं निर्यात किए अनुबंध किया गया है। गेहूं की अधिकतम मात्रा का निर्यात गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से किया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों की बंदरगाहों से निकटता और वहां आसानी से इनका निर्यात किया जा सकता है। वहीं खाद्य सचिव के अनुसार नजीतनाम निजी व्यापारी इन राज्यों से निर्यात के लिए गेहूं खरीद रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और बढ़ती हैं तो व्यापारी हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों से अनाज खरीद सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि निजी व्यापारियों द्वारा एक्सपोर्ट के लिए गेहूं खरीद के कारण सरकारी खरीद में कमी आ सकती है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि सरकार नियमित रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पिछले हफ्ते वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश का गेहूं निर्यात 100 लाख टन के स्तर को पार कर सकता है। वहीं रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कई देश भारत और दूसरे देशों से गेहूं खरीद रहे हैं। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने उनके गेहूं के निर्यात को कम कर दिया है। भारत सरकार वैश्विक बाजार में गेहूं की ऊंची कीमतों की स्थिति का फायदा लेने के लिए गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।